कपिल क्या कर रहा था? कपिल बात तो कपिल तेरी सही थी। एक बात कपिल ने कपिल निशान एक बात तेरे प्लान बहुत बढ़िया है भाई। भाई देखो मेरे लिगड़ दिमाग में बाल बैठ रहा है यार। सच्ची है मजा आ गया। नहीं तो आए मड़की चाचा ता पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आप आई होप आप सब ठीक होंगे भाई। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और नए दिन की शुरुआत पहले हम आप सुबह सुबह बनाएंगे कॉफ़ी। अभी बनाएंगे भाई यहाँ कॉफ़ी। हाथ ऊपर हो गया रेडी और अभी होटल से जा रहे हैं बाहर देखने नेपाल में क्या मिलेगा देखने के लिए। तो चलते हैं अभी यहाँ से। पीछे है राजू। राजू तो गए हो। राजू तो गए हो। एक दिन का क्या आज कभी कही जाओ ना। 10 मिनट पैदल। हाँ पैदल। किस साइड में है यहाँ से? यहाँ से लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट में सीधा एयरपोर्ट के आगे से नहीं दूसरी साइड से जाना। सीधा जा सकते हो सीधा ऊपर। एक घूम रहे हैं भाई नेपाल के अंदर। और मेरे पीछे है राजू और पीछे है कपिल। वो हमारी गाड़ी खड़ी है। ये पीछे होटल था जो गणपति एयरपोर्ट होटल जिसमें हम रुके थे अभी। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से टेम्पल का नाम है क्या नाम है टेम्पल का भाई? पशुपतिनाथ टेम्पल जो यहाँ पर मेन टेम्पल है अभी वहाँ पे जा रहे हैं। और आ गया अभी चलेंगे भाई शंभुनाथ टेम्पल पशुपतिनाथ टेम्पल मेन जो उसका नाम है। और भी पूरा एक अपने इंडिया में फेमस है इंडिया नेपाल में फेमस है जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ उसी तरह पशुपतिनाथ भी पूरा फेमस है भाई। ये है भाई नेपाल का मेन एयरपोर्ट। ये यहाँ पे एयरपोर्ट है और ये हम यहाँ पे हमारा होटल था यहाँ पे। तो दोनों आमने सामने हैं बिल्कुल। अभी चलते हैं यहाँ से। मैक्सिको आ रहे हम भाई। कहाँ रहे राजेश? मैक्सिको आ रहे बॉर्डर पे आए भाई। मैक्सिको आ रहे हम सारे। मैक्सिको के लोग कैसे हैं? आज दीवार टप जाएंगे भाई। दीवार टप के आज पहुंच जाएंगे अमेरिका। ये है भाई मार्केट खड़ी है किस तरह की यह है नेपाल की मार्केट भाई। इस तरह की मार्केट है भाई नेपाल की मार्केट। आप देख सकते हैं किस तरह की है। ये भाई मेरी साइड में है पार्क। देखो कितना खूबसूरत पार्क है ये। मंदिर के तीन बंदर खड़े हैं और ऐसी बात नहीं है। नेपाल में भी काफी अच्छी अच्छी जगह है अभी देखने लायक। और उस साइड में खड़े हैं नेता यहाँ के हैं या इंडियन नेता थे जो उनकी यहाँ पर फोटो लगा रखी है पता नहीं उनका स्टैचू है ये। तो अभी चलते हैं पार्क की साइड में आपको लेके।
ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर पार्क बना हुआ है, इसके अंदर आपको लेके चलेंगे आगे से। यही अगर एंट्री गेट कहीं से मिल गया ना तो फिर आपको अंदर लेके चलेंगे इसके। बाकी भाई यहाँ पे ना पैदल चलने का भी अपना अलग ही मजा है। देखो अभी हम पैदल चल रहे हैं, पैदल का ये मजा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हम गाड़ी में जाते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो काफ़ी सुंदर सा पार्क है ये। और पार्क जो है काफ़ी सुंदर सा पार्क है, इसको देखेंगे। और यहाँ से आगे है पशुपतिनाथ टेम्पल, उसी की तरफ हम जा रहे हैं अभी। तो देखते चलेंगे सारा कुछ और आपको दिखाते चलेंगे सारा कुछ, एक से एक बढ़िया बढ़िया जगह है। तो बने रहना भी, जो भी भाई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और लाइक करना और कोई अच्छा सा कमेंट करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी कोई अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के दिखा सकूँ। मेरे साथ हैं भाई दो भाई, कपिल और राजेश उर्फ राजू। राजू जो है ये अमेरिका में रह रहा है पिछले 10 साल से कंटिन्यू, तो अभी नेपाल आया हुआ था ये, इसी को मिलने हम यहाँ आए थे, इसको मिलने आए थे। और ये भाई आज रात की इसकी फ़्लाइट है, रात के 2 बजे के आसपास की। ये है भाई नेपाली मूँगफली, देखो आप है। अभी भाई यहाँ पे बैठी है माता जी और इनसे लेंगे थोड़ी मूँगफली। लताई चार सर भी आया, मूँगफली बड़ी आया, लवे मूँगफली भी ले लिया मना देव। हर पहाड़ी है नेपाली और पहाड़ी मूँगफली है भाई, पहाड़ी मूँगफली खा के देखते हैं आज क्या नंबर गया। कलर में भी इनके देखो, कलर में भी फर्क है थोड़ा, आप देखोगे ना मतलब जर लग रहा है साड़ी का इनका भी। जर सा लग रहा है भाई, लाल लाल रंग की हो रही है सारी मूँगफली। तो ये कुछ पार्क में बैठी हुई है यहाँ की नेपालन औरतें, लेबर बाय देखो रेत ने छाने लग रही सोना लिखेगा। राहुल गांधी ने कहा रहा जिस तरह मैं इधर से डालूंगा उधर से सोना निकाल दूंगा, वही चक्करों में बेचारियां भी बोली हो रही। यहाँ पे अभी नेपाल का गोल्फ कोर्स ग्राउंड, काफी सुंदर ग्राउंड बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप भी, बहुत सुंदर ग्राउंड है। अभी हम पहुंचे अभी पशुपतिनाथ टेंपल, ये है मेन पशुपतिनाथ टेंपल का गेट। भाई मंदिर के अंदर हमने एंट्री कर ली है, अभी चल रहे हैं मंदिर की साइड में, दिखाते हैं आपको जो भी व्यू सामने आएगा आपको दिखाते चलेंगे सारा कुछ।
भाई इस दुकान के अंदर हमें ये क्या है, यहाँ पे हम निकाल लेंगे अपने शूज, शूज निकाल देते हैं यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे मंदिर के अंदर। यहाँ क्या भैया, अभी मंदिर के लिए हमने मंदिर में जाने के लिए प्रसाद ले लिया है यहाँ से, और अभी करेंगे मंदिर के अंदर एंट्री। तो यहाँ से थोड़ी सी 10 मीटर की दूरी पे है मंदिर का मेन गेट, ये राजू के पास है प्रसाद। क्या राजू के पास प्रसाद है भाई, राजू ने हाथ में ले रखा है 1100 रुपये का प्रसाद दिया हमें यहाँ पे नेपाली करेंसी में। तो अभी चलते हैं गेट की तरफ। हरदाई धुलाबारी बस्नुहुन्छ, म चाहिँ नि यहाँ सातो बाटो लवी पशुपतिनाथ मन्दिर आ गए हम, तिन्नों के तिन्नों। यह भाई पशुपतिनाथ मन्दिर, जय हो शिव बाबा की। यहाँ से जो मंदिर है अभी वो सामने है, वहाँ पे मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ पे है, अभी उस साइड चलते हैं। फिर अपना इधर घूमते हैं। ओके ओके सेल्फी ले ला। भाई अभी मंदिर के अंदर हम गए थे तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए अंदर वीडियो हम नहीं बना सके। अभी ये बाहर की वीडियो दिखा रहे हैं आपको।
मंदिर में हम दर्शन करने के बाद आए हैं बाहर और मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे मंदिर से बाहर। ये सारा मंदिर परिसर का एरिया है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मेरे चारों तरफ जो दिख रहा है आपको मंदिर परिसर का एरिया है सारा। ये सारा जो एरिया है सारा मंदिर परिसर का एरिया है। अभी अभी हम जो गए थे दर्शन करने के लिए वो इस रास्ते कहाँ से गए, उस रास्ते से उस साइड में पीछे मंदिर है वहाँ पे। तो देखो भाई पक्षी जो कबूतर हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ब्लैक कलर के जो काले कबूतर होते हैं जिन्हें बोलते हैं देसी भाषा में अपनी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर हैं भाई, बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से जाते हैं मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं। तो हेलो भैया, अभी पशुपतिनाथ टेंपल देखकर आए हैं और अभी यहाँ पर एक एयरपोर्ट के अंदर ही होटल है, क्या नाम उसका, थकाली होटल है यहाँ पे। वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने का मिलेगा, पीछे हमने काफ़ी शॉप देखी वहाँ भी हमें कुछ खाने का नहीं मिला अच्छा सा। तो अभी यहाँ बैठे हैं, एयरपोर्ट भी है बस स्टैंड भी है तो इसके बीच में है थकाली, यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलेगा या नहीं खाने का अच्छा सा। ऑर्डर करता है कपिल, देख रहा है अभी पत्नी क्या मंगाएगा। खाने में अच्छा लगा तो हम आप लोगों को बता देंगे भैया, बता देंगे यहाँ कौन सी जगह पे क्या अच्छा मिलेगा भैया। अभी बाकी तो हमें कहीं भी कोई अच्छा नहीं मिला, जिस भी हम ढाबे पे या होटल पे जिस पे भी गए वहाँ से अलग ही बदबू सी आ रही थी। यहाँ पे कुछ ठीक है अभी, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। भैया अभी हमने खाने में मंगाया एक बिरयानी, एक फ्राइड राइस और तीसरी की आइटम अभी बर्गर, एक वेज बर्गर, तीन आइटम मंगाई है। देखो भाई वेज बिरयानी जो आई है क्या अलग ही नज़ारा है भाई वेज बिरयानी का भाई। ये क्या रहा है, क्यों वेज बर्गर है भाई, साथ में आलू दे रहे देख। अच्छा आलू भी पहनने का रखे हैं। ये अभी खा रहे हैं हम खाना, देखो ये वेज बर्गर, फ्राइड राइस और वेज बिरयानी, तीनों चीज़ें बड़ी टेस्टी हैं, अच्छी लगी यहाँ पे आके, बहुत अच्छा खाना इनका। हाँ हरी मिर्च भी राजेश के लिए, हरी मिर्च चाहिए एकदम, खाना बहुत बढ़िया भाई यहाँ का, बाहर हमें अच्छा खाना नहीं मिला था यहाँ खाना मिला। तो अभी खाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आप। भैया अभी खाना खा के आ गए हैं बाहर यहाँ से और अभी चलते हैं हमें रूम की तरफ, रूम में चलते हैं वहाँ बैठ के थोड़ा करेंगे एडिटिंग वेल्टिंग और करेंगे यहीं पर ख़त्म, क्योंकि काफ़ी अभी हम सुबह से चले गए हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा भैया, अगर सारा दिन की जो एक्टिविटी है इसी ब्लॉग में अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। इसको करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, वेट करना, तब तक जय हिंद। मेरे लिए दिमाग खराब कर रहा है, मत क्या नहीं था ये पता आया लड़की चाचा कहां पर है।